के किसान बहुत परेशान है। उड़ीसा में लाखों क्विंटल धान पड़ा हुआ है मंडी में। आई अगेन रिपीट, मोर देन 1 लाख क्विंटल ऑफ पेड़ी आर स्टिल लाइंग फॉर सेल इन ऑलमोस्ट ऑल दी मार्केट यार्ड्स ऑफ उड़ीसा। किसान खरीफ के बाद पैसा मिल जाता धान बेचने के बाद तो बीज खरीदते और रबी के लिए वो लोग खेती शुरू करते, लेकिन लोग बैठे हुए हैं मंडी में, इसीलिए बैठे हुए हैं। नहीं बैठेंगे तो चोरी हो जाएगा, चूहा खा लेगा धान, और बरसात आ गया तो फिर खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। हजारों किसान बैठे हुए हैं, 4 दिन हो गया विधानसभा उड़ीसा भी बंद है, और उड़ीसा में जो टोकन सिस्टम शुरू किए हैं, आप किसान को टोकन देते हो और टोकन लेफ्ट हो जाता है सरकार के कारण, बेचना संभव नहीं होता है। ये टोकन के बारे में मैंने संसदों में भी पूछा, हर एक अलग अलग प्रदेश के जो सांसद यहाँ आए हुए हैं कि भाई आपका प्रदेश में टोकन है क्या, उनका प्रदेश में नहीं है। फिर मैंने इंक्वायरी किया, मोहम्मद तुगलक जिस टाइम में सुल्तान थे उस समय भी टोकन फोकन सिस्टम नहीं था, जब अभी शुरू हुआ है। मैं इसीलिए ये सब बोल रहा हूँ। अगर ये धान मंडी से अभी और एक मिनट बोलता हूँ मैं, 1 एकड़ में हम लोग 40 क्विंटल धान पैदा करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन बेचने के समय सरकार 19 क्विंटल लेने के लिए तैयार है, बाकी किसान क्या करें। इरिगेटेड एरिया में 19 क्विंटल और नॉन इरिगेटेड एरिया में 13 क्विंटल। मैं आपके जरिए, मैं मेरे को लगता है कि वी फॉर दी नेशन 28 ईयर्स बिफोर 1857। इसका मतलब ये है वी फॉट फॉर दी नेशन बिफोर इंडिया फॉट फॉर हरसेल्फ। अभी समय आया है द एंटायर नेशन शुड स्टैंड बिहाइंड द फार्मर्स ऑफ उड़ीसा, द एंटायर पार्लियामेंट शुड स्टैंड बिहाइंड द फार्मर्स ऑफ उड़ीसा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो शुड स्टैंड फार्मली बिहाइंड द फार्मर्स ऑफ उड़ीसा एंड एंश्योर दैट दी पेड़ी एंटायर पेड़ी लाइंग इन दी मार्केट यार्ड ऑफ उड़ीसा आर सोल्ड एंड दी फार्मर्स आर रिलीव फ्रॉम दी पेन कॉस्ट बाई दी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इन उड़ीसा। थैंक यू मैडम।